पीएम मोदी ने आज वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के आइकॉनिक वीक समारोह का शुभारंभ किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने दृष्टि बाधितों के लिए 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के स्पेशल सिक्कों की श्रृंखला जारी की। नए जारी किए गए सिक्कों पर आज़ादी के अमृत महोत्सव का लोगो होगा और इसके साथ इन सिक्कों की खासियत ये है कि इन्हें दृष्टिबाधित लोगों की ओर से भी समझा जा सकेगा। ये अन्य सिक्कों की तरह गोल नहीं बल्कि पॉलीगन है। इस सिक्के के बीच में आपको अशोक स्तंभ के शेर देखने को मिलेंगे। इसको बनाने के लिए निकल, सिल्वर और ब्रांस का उपयोग किया गया है। भारत में पहली बार ऐसे सिक्कों को जारी किया गया है जिन पर ब्रेन लिपि भी अंकित रहेगी और उसकी मदद से नेत्रहीन या दृष्टिबाधित लोग आसानी से समझ सकेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी ने जन समर्थ पोर्टल की शुरुआत भी की जो 12 सरकारी योजनाओं का क्रेडिट लिंक्ड पोर्टल है। ये सरकारी क्रेडिट योजनाओं को जोड़ने वाला एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ये अपने तरह का पहला ऐसा पोर्टल है जो लाभार्थियों को सीधे कर्जदाताओं से जोड़ता है। पीएम मोदी ने इसके साथ ही एक डिजिटल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी सरकार के 8 सालों के कार्यों को लेकर है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अनुप्रतीकात्मक सप्ताह यानी आइकॉनिक वीक समारोह का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने विभिन्न वित्तीय समावेश मंच विकसित किए हैं और इनके बारे में जागरूकता पैदा करने की ज़रूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि इन वित्तीय समावेश समाधानों का विश्व स्तर पर विस्तार करने के प्रयास होने चाहिए। देशवासी आत्मनिर्भर भारत अभियान से, वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों से भावनात्मक रूप से जुड़ गए हैं। इसमें अब आप सभी की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की भूमिका बहुत बढ़ गई है। अब हमें योजनाओं के सैचुरेशन तक तेजी से पहुंचना है। हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं। अब हमें इनके सदुपयोग को लेकर जागरूकता बढ़ानी है। जो फाइनेंशियल सॉल्यूशन भारत के लिए तैयार किए हैं वो अब दुनिया के दूसरे देशों के नागरिकों को भी समाधान दे, इसके लिए भी प्रयास होना चाहिए। दृष्टिबाधित लोगों के लिए विशेष सिक्के जारी करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि ये सिक्के लगातार लोगों को अमृतकाल के लक्ष्यों को याद दिलाएंगे और उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। रुपये की गौरवशाली यात्रा को भी दिखाया गया। इस सफर से परिचित कराने वाली डिजिटल प्रदर्शनी भी शुरू हुई और आजादी के अमृत महोत्सव के लिए समर्पित नए सिक्के भी जारी किए गए। ये नए सिक्के देश के लोगों को निरंतर अमृत काल के लक्ष्य याद दिलाएंगे, उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान के लिए प्रेरित करेंगे। अगले एक हफ्ते में अनेक कार्यक्रम आपके विभाग के द्वारा होने वाले हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बीते सालों में वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मंत्रालय ने अपने कार्यों के द्वारा सही समय पर सही निर्णयों के द्वारा अपनी एक लिगेसी बनाई है, एक बेहतरीन सफर तय किया है। आप सभी इस विरासत का हिस्सा हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश के आम जन के जीवन को आसान बनाना हो या देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करना हो, बीते 75 सालों में अनेक साथियों ने इसमें बहुत योगदान किया है। नए सिक्कों को लॉन्च करने के साथ ही पीएम मोदी ने जन समर्थ पोर्टल भी लॉन्च किया है जो सरकारी क्रेडिट योजनाओं को जोड़ने वाला वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल है। जन समर्थ पोर्टल अपनी तरह का पहला मंच है जो लाभार्थियों को सीधे ऋणदाताओं से जोड़ता है। प्रधानमंत्री ने इस पोर्टल का लक्ष्य बताते हुए कहा कि अलग अलग मंत्रालयों के अलग अलग वेबसाइटों के चक्कर लगाने से बेहतर है कि व्यक्ति भारत सरकार के एक पोर्टल तक पहुंचकर और उसकी समस्या पर समाधान कर सके। अब भारत सरकार की सभी क्रेडिट लिंक स्कीम्स अलग अलग माइक्रो साइटों पर नहीं बल्कि एक ही जगह पर उपलब्ध होगी। ये जन समर्थ पोर्टल छात्रों का, एंटरप्रेनर्स का, व्यापारियों कारोबारियों का, किसानों का जीवन तो आसान बनाएगी ही, उन्हें अपने सपने पूरे करने में भी मदद करेगा। अब छात्र आसानी से जानकारी ले पाएंगे,
कि कौन सी सरकारी योजना का उन्हें सबसे ज्यादा लाभ होगा, वो कैसे उसका फायदा उठा सकता है। इसी तरह हमारे युवान आसानी से ये तर्क कर पाएंगे कि उन्हें मुद्रा लोन चाहिए या स्टार्टअप इंडिया लोन चाहिए। जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से अब देश के युवाओं को, मध्यम वर्ग को एंड टू एंड डिलीवरी का एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि इनमें से प्रत्येक योजना को पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस पोर्टल से सहूलियतें बढ़ेंगी और नागरिकों को सरकारी कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए हर बार एक ही सवाल पूछना नहीं पड़ेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रिफॉर्म्स यानी सुधार के साथ ही हमने जिस बात पर फोकस किया है वो है सरलीकरण। केंद्र और राज्य के अनेक टैक्सों के जाल की जगह अब GST ने ले ली है। इस सरलीकरण का नतीजा भी देश देख रहा है। अब हर महीने GST कलेक्शन 1,00,000 करोड़ रुपए के पार जाना सामान्य बात हो गई है। बीते 8 सालों में देश ने जो सुधार किए हैं उनमें बड़ी प्राथमिकता इस बात को लेकर दी गई है कि हमारे देश के युवाओं को अपना सामर्थ्य दिखाने का पूरा मौका मिल सके। PM मोदी ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि देश ने बीते 8 सालों में अलग अलग आयामों पर काम किया है। इस दौरान देश में जो जनभागीदारी बढ़ी उसने देश के विकास को गति दी है, देश के गरीब से गरीब नागरिक को सशक्त किया है। साथ ही PM ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने गरीब को सम्मान से जीने का अवसर दिया है। पक्के घर, बिजली, गैस, पानी, मुफ्त इलाज जैसी सुविधाओं से गरीबों की गरिमा बढ़ाई गई है। कोरोना काल में मुफ्त राशन की योजना ने 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को भूख की आशंका से मुक्ति दिलाई है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।